दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना आज के समय में, आज के टाइम पे एक आम समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन हर पांचवें सातवें आदमी के अंदर ये प्रॉब्लम, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उस रूप में ज़रूर देखी जाती है। दोस्तों शरीर में कोई भी रोग की उत्पत्ति जब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही फॉल्ट होता है, हमारी ही कमी देखी जाती है कि हम लोग नेचर के कितना ओपोजिट होके काम करते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा समझ के चलना, नेचर के ओपोजिट होके काम करना या नेचर के ओपोजिट अपनी जिंदगी जीना कहीं ना कहीं हमें उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि हमारे शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां, कई सारे रोग जन्म ले लेते हैं अपने आप नेचुरल तरीके से। और कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि धीरे 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 उनका शरीर ही एक तरह से ख़त्म होता चला जाता है, बर्बाद होता चला जाता है, बीमारी ठीक होने का नाम बिल्कुल नहीं लेती है। तो दोस्तों हमें नेचर के ओपोजिट काम नहीं करना है, पहले ही तो ये चीज़ हमें देखनी है। नेचर के ओपोजिट काम ना करें, हेल्दी खान पान रखें और उन चीज़ों से बच के रहें जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो ऐसी चीज़ों से आप हमेशा बच के रहें, खुद को बचा के रखें। अब दोस्तों बात करते हैं यूरिक एसिड का। अगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो दवाई पे दवाई आपने खा ली है बट आराम मिलने का नाम आपको नहीं मिला है, आराम नहीं हुआ है, तो आपको एक मैं ऐसी रेमेडी यहाँ पे दे रहा हूँ, ऐसी घरेलू रेमेडी है, बिल्कुल फ्री जैसी रेमेडी है। आपने मात्र कुछ दिन इसका उपयोग करना है और आप देखेंगे कि पहली खुराक से ही आपका यूरिक एसिड जो लेवल बढ़ गया है और जिसकी वजह से आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द, स्वेलिंग की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी पहले दिन से ही कम होना चालू हो जाएंगी। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है दोस्तों। और आप इसका सेवन कब करेंगे, कैसे करेंगे, सारी की सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा आपको। अब आपने अच्छी क्वालिटी के पान के पत्ते लेके आने हैं, हरे ताज़े ताज़े पान के पत्ते लें। और पान कौन सा लेना, देखिए पान भी दो तरीके का होता है, एक होता है बिल्कुल हरा पत्ता होता है, एक होता है डार्क, थोड़ा सा कालेपन पे, यानी कि डार्कनेस उसके अंदर ज़्यादा होती है, जैसे तुलसी के अंदर पाया जाता है, हरी तुलसी श्यामा तुलसी, यानी कि राम और श्यामा तुलसी होती है, ऐसे पान के अंदर भी हरा और डार्क हरा होता है, दोनों कलर होते हैं। तो डार्क ग्रीन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आयुर्वेद में जो गहरी चीज़ें हैं, गहरी काली गहरी चीज़ें हैं, उनमें औषधीय गुण ज़्यादा बताए गए हैं आयुर्वेद के थ्रू, तो हमें उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों इस्तेमाल आपने ये करना है कि 5 से 7 पत्ते आपने लेने हैं डेली, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये पत्ते डेली आपने इस्तेमाल करने हैं, 5 से 7 ताज़ा पान के डार्क पत्ते आपने उसको अच्छे से पीस लें, पीस के चटनी बना लें, उनकी चटनी बना के उसको सूती कपड़े में डाल के उसको निचोड़ लें। करीब करीब 15 से 20 ml पान के पत्ते का जूस। दोस्तों ये रेमेडी ऐसी है, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना आज से चालू कर दिया तो यूरिक एसिड की कोई ताकत नहीं है कि आपके शरीर में रुक जाए, वो मेरी गारंटी है इस चीज़ में। बट आपको बशर्ते यहाँ पे नियम से, परहेज से ये चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपने इसका सेवन कितने दिन करना है। दोस्तों इसका सेवन कम से कम करें आप अपनी मिनिमम 10 दिन करें, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से करें, पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा। और उसके बाद में डेली सुबह खाली पेट आपने 5 से 7 ताज़ा पान के पत्तों का जूस निकालना है और सुबह खाली पेट उसका सेवन करना है। बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और जिनके घुटनों में, जोड़ों में असहनीय पेन दर्द बना हुआ है, जिनको उठने बैठने चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल रामबाण से भी ज़्यादा मैं कहूँगा यहाँ पे इसको बहुत फ़ायदा देने वाली चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या को जड़ से सही करें, नेचुरल तरीके से सही करें, बिना किसी केमिकल वाली दवाई का इस्तेमाल करें, आप इसको सही करें नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट यहाँ पे मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।